आज समोसा ले लो, समोसा गरम गरम समोसा, एक बार खा के देखो टकला नेता का समोसा। समोसा वाला, समोसा वाला। यार समोसा खाने का मन हो रहा है, बहुत बढ़िया खुशबू आ रहा है इस टकला के यहाँ से। लेकिन समोसा खाने का असली मजा तब आता है जब फ्री में खिलाए कोई। चल आज दोनों कंपटीशन करते कौन कितना ज्यादा समोसा खाता है। अरे अगर कंपटीशन लगाएंगे तो तुम तो जानते ही है कि हम कितना समोसा खा लेते हैं, तो पैसा ज्यादा नहीं लग जाएगा। अरे हाँ पैसा तो ज्यादा लगेगा, लेकिन जो हारेगा वो पैसा देगा। अरे तुम्हारा दोस्त कौन है जानता है ना, काला कद्दू। 8-10 समोसा का पैसा हम भले दे देंगे, बाकी समोसा का पैसा वो टकला देगा दुकानदार। हमको जानते हो ना, हम काला कद्दू है। अभी देखो कैसे बुड़बक बनाते हो उस टकला को, जैसे जैसे समझाएंगे वैसे वैसे करते जाना। समोसा कैसे दे रहे हैं चचा? 10 रुपया पीस। अच्छा एक काम कीजिए चचा, 2 पीस समोसा पैक कर दीजिए। हाँ चचा ये लीजिए 20 रुपया। चचा समोसा कैसे दे रहे हैं? 10 रुपया पीस। चचा समोसा गरम है? हाँ गरम है, अभी अभी तो बनाए हैं। हाँ तो चचा एक काम कीजिए, 10 पीस समोसा निकाल के रख दीजिए अलग से, हमको ठंडा समोसा चाहिए। हाँ तो ले जाओ ठंडा करके घर पे खाना। नहीं नहीं चचा, मम्मी बोली है दुकान से ठंडा समोसा लेके आना, गरम नहीं लेके आना। और अगर हम आपके कहने पे गरम समोसा ले जाते हैं तो मम्मी अगर हमसे घर पे पूछेगी कि बेटा तुम ठंडा समोसा लाए थे, तब तो हमको झूठ बोलना पड़ेगा ना कि हाँ मम्मी हम ठंडा लाए थे जबकि हम गरम लेके आए थे। और हमको हमारे मम्मी पापा झूठ बोलना नहीं सिखाया है। 10 पीस अलग से रखिए, ठंडा हो जाएगा तो हम ले लेंगे। अच्छा ठीक है ठीक है, इतना सच बोलता हुआ कार्टून तो हम पहली बार देख रहे हैं और शायद आखिरी बार भी देख रहे हो। अरे तमीज से बोलो, देख रहे हो क्या बोल रहे हो? देख रहे हैं बोलो, बड़े हम तुमसे और टकला नेता भी है। बड़ा आदमी अपना उम्र और कद से नहीं होता, अपना काम से होता है, और आपका काम देख के हमको लग नहीं रहा कि आप बहुत बड़ा आदमी है। अरे ये तो हमारा साइड बिजनेस है, हम नेता है कद्दूपुर का, टकला नेता, जिस शहर में तुम रहते हो उसका मंत्री हम। मतलब 1-7-2-9 पे आप पैर रखे, डूब जाइएगा डूब जाइएगा। अपना पैजामा संभाल लीजिए। अरे तुम अपना मुंह संभालो, चुप रहो तुम, समोसा लो ठंडा करके जाओ। आया पैसा नहीं लीजिएगा, ऐसे ही दे दीजिएगा। अरे पैसा कहीं नहीं लेंगे, तुम हमारा पोता लगता है क्या? नहीं आप ही तो बोले समोसा लो और जाओ, ये कहाँ बोले कि हमको पैसा दे के जाओ। अरे वो तो हम लेंगे ना, उतना तुमको अपना दिमाग नहीं है। अरे दिमाग है तभी तो आपसे हम ये सवाल किया कि हमारा फायदा हमको दिख रहा था इसमें। अरे चुप रहो, ज्यादा फायदा और नुकसान मत देखो, शांति से खड़े रहो जब तक ठंडा हो रहा है समोसा। हेलो क्या बोली मम्मी? 30 पीस समोसा ही लगेगा। ठीक है ठीक है। हाँ चचा 30 पीस समोसा ही निकाल के रख दीजिए। काहे घर पे कोई बर्थडे पार्टी है क्या जी, इतना समोसा लेके जा रहे हो? नहीं नहीं चचा, हमारा दादाजी एक्सपायर कर गया है। अरे दादाजी एक्सपायर कर गया है तो समोसा ले जा रहे हो घर पे मतलब? अरे तो आपके हिसाब से क्या दारू लेके जाए घर पे, क्या बात कर रहे? मेहमान आया हुआ है घर पे, उस लोग को नाश्ता पानी नहीं करवाएंगे? अरे मेहमान को नाश्ता पानी करवाओगे तो ठंडा समोसा काहे खिला रहे हो? अरे आपको इतना अक्ल नहीं है, घर पे हमारा दादाजी ठंडा पड़ गए है तो सबको समोसा गर्म कैसे खिलाएंगे, समोसा भी ठंडा ही ना खिलाएंगे। ऊपर से इतना गर्मी पड़ रहा है, आप बोल रहे गर्म समोसा लेके जाओ, गर्मी में गर्म समोसा कौन खाता है, आप जैसा पगला खाता होगा। अरे तुम साला पागल है समझा, समोसा कौन ठंडा खाता है, खुद पागल हमको बोल रहा है। तुम साला समोसा लो और निकलो, तुमसे तो बात ही करना बेकार है, पता नहीं क्या बकबक कर रहा है पगले। देखिए चाचा तमीज से बात कीजिए, समझे ना, कहा कि बदतमीजी हमको भी आता है, दिन में 6 बार आता है, और अभी 2 घंटा पहले ऐसा बदतमीजी किए थे कि हमारा दादाजी मर गया, कहीं ऐसा नहीं हो आप भी मर जाइए। ये तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारा 5 मिनट पहले सारा बदतमीजी निकल गया है, नहीं तो आपके साथ क्या होता है समझ लीजिए। अरे क्या बकवास कर रहा है, बदतमीजी कैसे निकलता है? अरे कुत्ता का बेटा। अरे ये क्या बकवास कर रहा है? अरे आप ही तो पूछे बदतमीजी कैसे निकलता है, इससे निकलता है, इससे भी खतरनाक निकलता है, और मेरा जब बदतमीजी निकलता है ना तो अच्छा अच्छा आदमी का पेशाब निकल जाता है। अच्छा चबला तुम चबला, इस साला पागल लग रहा है, इससे बातें करना बेकार है। लो तुम्हारा समोसा ठंडा आ गया, ले जाओ। एक मिनट फोन आ रहा है। क्या बोली मम्मी, दादाजी जिंदा?
जाना है अब। इतना बदतमीजी करने के बाद भी दादाजी जिंदा हो गए, फिर से करना पड़ेगा। हाँ वो तो हम समझ गए मम्मी, गरम समोसा लाना है, लेकिन हम 40 पीस ठंडा करवा चुके, अब कैसे ला गरम समोसा। अच्छा दुकानदार समझदार होगा तो हमारा मजबूरी समझ जाएगा। अच्छा अच्छा बोल देते गरम करके दूसरा को बेच देगा। अच्छा इससे बोले क्या कि गरम करके दे देगा, ठीक है बोलते है। हाँ चाचा समोसा गरम करके दे दीजिए, दादाजी जिंदा हो गए। अरे इससे थोड़ी ना आता है, तुम बोलेगा समोसा ठंडा करके दे दो, फिर बोलेगा गरम करके दे दो, गरम करने के बाद ऐसा टेस्ट नहीं आता है, तुम्हारे चक्कर में तुम्हारा समोसा बेकार हो गया। अरे खाएगा हमारा मेहमान, तुमको किस बात का तकलीफ है, हमारा मेहमान को अच्छा लगेगा। अरे लेकिन हमको गरम करना ही नहीं है, तुम्हारा साला दादा फिर मर जाएगा, फिर बोलेगा ठंडा करके दो, तुम साला पागल है, भागो हमारा दुकान से, पगला कहीं का, फालतू का मेहनत करवा दिया, ठंडा करवा दिया। फिर से बदतमीजी, फिर से बदतमीजी हमारे साथ। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है साले, तुम्हारा बिजनेस नहीं चलेगा समोसा, तुम साला एक दिन नाला के बगल में ना बैठ के भीख मांगेगा नंगटा, बात साला टकला। बोले थे तुमको हमारा बदतमीजी दादाजी के मरने के बाद खत्म हो गया, अब दादाजी जिंदा, हमारा बदतमीजी जिंदा, तुम साला मार खाएगा एक दिन, मार खाएगा नंगटा करके, दरा दरा के मारेंगे साले तुमको नंगटा करके। रे साला रे बहुत बोल रहा है, ज्यादा बकवास करेगा ना कपड़ा खोल के कढ़ाई में तुमको तल देंगे, समझा। अरे साला तुम निकला ना दुकान से, निकला, मजाक उड़ाता हूं ना, निकला साला जोकर। चाचा दो समोसा और पैक कर दीजिए। चाचा छह समोसा और पैक कर दीजिए। अरे बाबू तुम बार बार आ रहे हो, दो समोसा ले जा रहे हो, फिर दो ले जा रहे हो, फिर छह ले जा रहे हो, एक बार में कहीं नहीं ले जा रहे हो। अरे चाचा हमारी बहन का रिश्ता हुआ है ना, तो मेहमान आते जा रहा है, वैसे वैसे डिमांड आ रहा है समोसा का, तो फिर समोसा हम लेने आ रहे हैं आपके पास। अच्छा अच्छा तुम्हारी बहन का रिश्ता हुआ है, बधाई हो। चाचा 50 समोसा पैक कर दीजिए। अरे ये कस्टमर अच्छा है, नहीं घिस घिस कर रहा है, आ रहा बार बार समोसा ले जा रहा है, अब तो बहुत बड़ा ऑर्डर दिया 50 समोसा का, बहुत बढ़िया कस्टमर है ये, ऐसा ही कस्टमर सब आना चाहिए, तब ना चलेगा हमारा धंधा। हेलो क्या बोल रही है मम्मी, पापा का एक्सीडेंट हो गया, क्या बोल रहा है, पैसा लेगा तभी इलाज करेगा, हम आ रहे 2 मिनट में, आ रहे 2 मिनट में, देखते हैं जुगाड़ करते हैं पैसा। क्या हो गया चाचा का एक्सीडेंट हो गया, कितना पैसा मांग रहा है? 50,000 रुपया मांग रहा है, आप 2 मिनट में 50,000 कहाँ से लाएंगे? अरे हम दे रहे हैं तुमको 50,000 रुपया, जाकर अभी इलाज कराओ। अरे नहीं नहीं हम तुमसे नहीं ले सकते हैं, तुम तो अपनी बहन के लिए कुछ सामान लेने के लिए निकले हो ना, तुम लोग का बेइज्जती हो जाएगा रिश्तेदार लोग के सामने, और तुम सारा पैसा हमको दे दोगे तो सामान भी नहीं ले पाओगे और ये समोसा भी नहीं ले पाओगे, खाली पेट रखोगे मेहमान को। अरे यार किसी का घर बसाने से बड़ा कार्य है किसी का जीवन बचाना। अरे इस लड़का का ना दिल बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा लड़का है ये, और इसका सोच भी बहुत अच्छा है। हम घर जाएंगे पैसा लाएंगे और समोसा ले लेंगे। अरे मेहमान लोग को इतना देर भूखा रखेगा तो आधा घंटा लगेगा घर जाने में, फिर आएगा फिर समोसा बनेगा फिर ले जाएगा, ऐसे तो तुम्हारा मेहमान ऐसे ही लौट जाएगा। अरे ये लोग बहुत ही गंभीर सिचुएशन में है, एक समोसा के लिए ये लोग सोच रहा है, इतना ईमानदार बच्चा है, उसका पापा के लिए पैसा दे रहा है उसको, हम इसको समोसा नहीं दे सकते, बार बार आके हमसे तो ले रहा है समोसा, ये हमारा पैसा लेकर थोड़ी ना भाग जाएगा। बाबू तुम समोसा लेके जाओ, पैसा बाद में दे देना हमको। देखिए चाचा हमारा बाबूजी हमको सिखाए हैं जीवन में कभी किसी से उधार मत लेना, काहे कि एक बार उधार लेने का आदत पड़ गया तो जीवन भर उधार ही लेते फिरोगे। अरे तुम्हारा सोच बहुत अच्छा है बाबू, और तुम्हारा पापा तुमको सही सीख दिया है, लेकिन आज इमरजेंसी है, हम तुमको सामने से दे रहे, तुम आके बाद में पैसा हमको दे देना। देखिए चाचा एक कहावत आप सुने है ना, उधार एक जादू है, आप देंगे हम गायब हो जाएंगे, और अगर हम गायब हो जाएंगे तो फिर आप हमको गाली देंगे, तो उससे अच्छा उधारी मत दीजिए। अरे वो तो चोर लोग होता है जो गायब हो जाता है, तुम इतना शरीफ आदमी, तुम थोड़ी ना चोर है, जो आदमी अपनी बहन के शादी का पैसा अपने दोस्त को दे रहा है उसके पापा का इलाज के लिए, वो कितना ईमानदार होगा, तुम ले जाओ समोसा बाद में पैसा दे देना। ऐसे तो चाचा हम उधार लेते नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हैं तो चलिए ले लेते हैं। देखिए चाचा ऐसे तो हम आपको 1 घंटा में पैसा ला कर दे देंगे, लेकिन जैसा कि हम आपको बताया कि हमारे घर में हमारी बहन का रिश्ता हो रहा है, तो हो सकता है हम भूल जाए काम काम में, तो ये कार्ड है इस पर आप कॉल करके हमसे बात कर लीजिएगा, तो हमको याद आ जाएगा तो हम आके दे देंगे पैसा।
हाँ ठीक है बाबू। अरे वो आया नहीं अभी तक, लड़का लगता है व्यस्त हो गया है मेहमान लोग के बीच में। चलो कॉल करके देख लेते हैं, बुलाए ना कॉल करने। अरे फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है इसका, दूसरा नंबर हो कहीं, देखते हैं कार्ड के पीछे। अरे ये क्या लिखा है, गधा फोन मत करना। मतलब वो लड़का हमको बुलबक बना के गया, वो सारा काला कलूठा चोर का बच्चा। अरे तो साला हमसे ही बड़ा बेईमान निकला, साला बड़ा बड़ा बात कर रहा था, दोस्त को पैसा दे रहा था, उस साला हरामी भी उसके साथ मिला हुआ था, इसीलिए कह रहा था उधार एक जादू है, आप देंगे हम गायब हो जाएंगे। साला सही में गायब हो गया, दिखेगा ना साले का चमड़ी निकाल देंगे। साला पागल सवाता हमारा दुकान पे, बोहनी तो होता ही नहीं है। और कमेंट करके बताइए अगर उस लड़का का आपको एड्रेस पता है तो साले को घर पे जाके मारेंगे, फ्री का समोसा खाता है साला।